हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। तो दोस्तों, आज के स्टूडियो में बात करेंगे परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियो जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरे वीडियो में सुपर थैंक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप इसके थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे मेरे चैनल के मेंबर बनके भी मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो जो नोटिफिकेशन आया है ये आपका आया है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर से। तो यहाँ पे जो है आप अगर इसके लिए इंटरेस्टेड हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये आया था 14 जून 2024 को और यहाँ पे मेंशन कर रखा है एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द टीचिंग पोजिशंस। तो लास्ट डेट जो है वो आपका 15 जुलाई 2024 को है। आपका जो भी एप्लीकेशन है वो बाई रजिस्टर्ड पोस्ट आपका पहुंचने का टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय इन फ्रंट ऑफ कोनी पुलिस स्टेशन बिलासपुर रतनपुर रोड कोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आपको ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना और जो भी आपका अटैच लाइक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सब अटैच करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको इस एड्रेस पे मैंशन लाइक भेजना है, तभी आपका जो एप्लीकेशन कम्प्लीट माना जाएगा। तो द सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज आर फेलोज। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, फूड प्रोसेसिंग, माइक्रोबायोलॉजी, होटल मैनेजमेंट वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। ऐसे आपको प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों डिजिग्नेशन में आपको यहाँ पे वैकेंसी जो है देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोबायोलॉजी में आपका 1 वैकेंसी ये प्रोफेसर का ST में, एसोसिएट में 1 OBC में वैकेंसी है, वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर में कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसे आपका कंप्यूटर साइंस में देखिए तो 1 ST में प्रोफेसर में, 1 OBC में एसोसिएट प्रोफेसर में और 1 ST में असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो इनमें वैकेंसीज को यहाँ पे रिलीज किया गया है। इसके अलावा पोजीशन एंड पे स्केल देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे तो आपको 1,44,200 टू 2,18,200 का पे स्केल दिया जाएगा, लेवल 14 रहेगा। ऐसे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपको 1,31,400 टू 2,17,100 का लेवल 13A का और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको 57,700 से 1,82,400 और लेवल 10 का यहाँ पे आपको पे स्केल जो है वो दिया जाएगा। तो ये पोजीशन एंड पे स्केल मेंशन कर रखा है। बाकी आपको जनरल इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, आपको ये पूरा आप जो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस शैल बी काउंटेड ओनली व्हेन इट इज अर्नड इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाई AICTE, AUGC या रिसर्च लेबोरेटरी और इंडस्ट्री ऑन रेगुलर बेसिस टू विच अ कैंडिडेट इज अप्लाइंग। ठीक है, तो यहाँ क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपने जो भी अपना पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस और टीचिंग एक्सपीरियंस लिया है वो ये सब चीजें अगर वैलिड फुलफिल करता है तभी उस एक्सपीरियंस को जो है वो काउंट किया जाएगा। इसके अलावा आप मोर देन 1 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सपोज कंप्यूटर साइंस या किसी और सब्जेक्ट के लिए, तो आपको यहाँ पे हर पोस्ट के लिए सेपरेटली आपको यहाँ पे जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा कैंडिडेट शुड अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट एंड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वेयर एवर एप्लीकेबल। तो यहाँ पे आप किसी भी पार्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं चाहे OBC या ST ST में, तब आपको यहाँ पे जो वैलिड आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। तो ये मैंडेटरी है, तभी आप उस कैटेगरी के लिए जो है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं उस पार्टिकुलर कैटेगरी में। इसके अलावा बाकी यहाँ पे जो है आपका यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है www.bilaspuryuniversity.ac.in, तो इस पे जाके आपको और भी डिटेल देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर एप्लीकेशन फी की बात करें तो अगर आप अनरिजर्व या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ 1500 पे करना है, वहीं आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 1000 रुपीज जो है वो पे करना है। और यहाँ पे जो लाइक पेमेंट है वो आपको DD बनवाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा कि आपको ऑनलाइन पेमेंट इसका नहीं है, इसका आपको ऑफलाइन DD के थ्रू जो है यहाँ पे पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको अप्लाई करने के लिए पूरा एप्लीकेशन फॉर्म नीचे देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो वहां पे उसी फॉर्म को आपको फिलअप करना है और जितने जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो सब आपको अटैच करना है और आपको सेंड करना है रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से। ठीक है, तो आपको सेंड भी करना है तो वो भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आपका साइज फोटोग्राफ जो है आपको पासपोर्ट साइज वो भी आपको स्पेस प्रोवाइड किया गया है, उसमें आपको अटैच करना है।
इसके अलावा जो है आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारा भी आपको ट्रू डॉक्यूमेंट्स अगर प्रूव करना है, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो जो है वो आपका रिजेक्ट भी किया जा सकता है और आपको कोई भी पैसा जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी कार्ड एज पर एनेक्जर 1, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एनेक्जर 1 जो है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो है आपको कॉल किया जाएगा, आपका एपीआई इंडेक्स के थ्रू आपका मेरिट बनेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे कॉल किया जाएगा। और यहाँ पे नेट सेट स्लेट भी आपका होना कंपलसरी है अगर आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अवेलेबल है तो, ठीक है। तो यहाँ पे एनवेलप पे आपको क्या लिखना है, एनवेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बियर अ कैप्शन मेंशन इन द टॉप सेंटर इन कैपिटल लेटर। तो आपको अपना एनवेलप पे मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे आप किस पोस्ट पे अप्लाई कर करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पूरा मेंशन करना पड़ेगा। एंड इन द सब्जेक्ट, सपोज माइक्रोबायोलॉजी में कर रहे हैं तो आपको ऐसे पूरा मेंशन करना पड़ेगा कि आप सिर्फ किस सब्जेक्ट में और क्या डिजिग्नेशन में आप जो है यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो पूरा यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेशन फीस अगर आप एक बार जो है फिल कर देंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी रिफंड जो है वो इशू नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो क्लियरली यहाँ मेंशन कर रखा है। तो बाकी और भी चीज़ें यहाँ मेंशन कर रखी है तो वो सब आप जो है इसे पढ़िएगा इससे और उसके बाद ही इसके लिए अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो ये पूरा सारा पॉइंट्स है वो आप इस ब्रॉशर के ऊपर अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही आप इसके लिए जो है वो अप्लाई करिएगा। इसके बाद क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, तो यहाँ पे अगर प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीएचडी डिग्री होना चाहिए, कंसर्न एलाइड या रिलेवेंट सब्जेक्ट में, 10 रिसर्च पब्लिकेशन आपके होने चाहिए, ठीक है, और एटलीस्ट मिनिमम 10 ईयर्स का आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये क्लियरली मेंशन कर रखा है। ऐसे ही एसोसिएट प्रोफेसर में आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए कंसर्न या एलाइड या रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और आपका मास्टर डिग्री 55% मार्क्स में होना चाहिए और एटलीस्ट आपका 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स इन केस ऑफ जनरल ओबीसी, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 50%। वहीं आपका नेट भी क्लियर होना चाहिए, चाहे वो UGC हो या CSIR हो, अगर आपका ICAR नेट भी है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। इसके अलावा आपका PhD अगर 2009 से पहले आपने PhD का डिग्री या लिया है या इनरोल किया है तो आपका PhD जो रेगुलर मोड में होना चाहिए, आपका PhD थीसिस को एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जाम ने इवेलुएट किया होना चाहिए, आपका ओपन PhD वाइवा वॉस हुआ होना चाहिए, 2 रिसर्च पेपर होने चाहिए आपके आपके पेपर आपके थीसिस से और एटलीस्ट 2 पेपर आपने प्रेजेंट किए होने चाहिए कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स में, तो ये सारा यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसके अलावा अगर आपने PhD अपना डिग्री जो है बाहर से लिया है फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो जहाँ से आपने PhD किया है वो टॉप 500 में होना चाहिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में या QS रैंकिंग में या TSE रैंकिंग में या AIWE रैंकिंग में, अगर इसमें आता है तब आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे एलिजिबल है, आपको नेट का कोई भी जरूरत नहीं रहेगा। बाकी आपको यहाँ परफॉर्मर देखने को मिलेगा, तो ये जो है समरी सीट है फॉर स्क्रीनिंग ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इसके बेस पे ही आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि और मेरिट प्रिपेयर की जाएगी और आप उस मेरिट में अगर आते हैं तब आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे नेम आपको फिलअप करना है, फिर नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर और नेम ऑफ डिपार्टमेंट अप्लाइड फॉर। इसके बाद यहाँ पे आता है API स्कोर, तो यहाँ पे API स्कोर आपको दिया जाएगा बेस्ड ऑन दीज अकेडमिक स्कोर, जैसे ग्रेजुएशन में क्या मार्क्स आया आपका, पोस्ट ग्रेजुएशन में इनमें से मार्क्स आया तो उसकी बेस पे यहाँ पे आपको स्कोर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको फिल करना है, फॉर एग्जाम्पल 80% अबव है तो 15 आपको फिल करना, फिर यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा स्क्रीनिंग कमिटी, जो भी आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे उसके बाद वेरीफाई होगा और रिमार्क में येस या नो लिखा जाएगा, या आप अगर उस उतने मार्क्स के हकदार है या नहीं है वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन रहेगा। ऐसे ही रिसर्च डिग्री, तो MPhil अगर आपने किया है तो 7 मार्क्स दिया जाएगा, अगर आप 60% अबव आपने लाए हैं या 55 से 60% लाए तो 5 मार्क्स दिया जाएगा, 5 स्कोर। ऐसे PhD 30, तो अगर आपका PhD MPhil दोनों डिग्री है तो आपको मैक्सिमम जो है यहाँ पे 30 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ऐसे GRF नेट विद GRF तो 7 मार्क्स मिला जाएगा, और अगर आपके पास सिर्फ नेट है तो 5 मार्क्स और स्लेट या सेट है तो आपको यहाँ पे 3 मार्क्स दिया जाएगा, तो ये सारा चीज यहाँ मेंशन कर रखा है। इसके अलावा आपको इंटरनेशनल नेशनल लेवल का कोई अवार्ड अगर यहाँ पे दिया गया है तब आपको 3 मार्क्स मिलेगा, वहीं अगर स्टेट लेवल का अवार्ड है तो 2 मार्क्स मिलेगा। ऐसे ही आपको रिसर्च पब्लिकेशन मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स ले लेंगे, अगर आपका टू आपके पास 5 पब्लिकेशन है तो 2 मार्क्स ईच। वही टीचिंग एक्सपीरियंस का, टीचिंग या पोस्ट डॉक्टर एक्सपीरियंस का आपका 2 मार्क्स रहेगा फॉर 1 ईयर ईच, तो अगर 5 साल आपने टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस लिया है तो आपको 10 मार्क्स यहाँ पूरा मिल जाएगा। तो ये जो क्राइटेरिया था वो आपका था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ऐसे ही आपका असेसमेंट क्राइटेरिया फॉर एकेडमिक और रिसर्च स्कूल, तो यहाँ पे आपको रिसर्च पेपर जो भी आपके हैं चाहे वो पीयर रिव्यू जर्नल्स में हो या आपका UGC लिस्टेड जर्नल्स में, तो वो सारा यहाँ पे आपको जो मेंशन करना है, अवार्ड स्टेट लेवल अवार्ड ऐसे करके। तो इसके अलावा यहाँ पे जो है अगर आपका लाइक एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए देख रहे हैं
तो ये अपेंडिक्स टू है, तो इसको आपको देखना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, और आपको जो है ये सारा चीज़ें जो है सेंड करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को, ठीक है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, और ये सारा जो लाइक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एपीआई स्कोर का, ये सब आपको सेंड करना पड़ेगा। तो आपको ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आपको इसे फिलअप करना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट जॉब जो भी आप करना चाहते हैं, तो ये एसोसिएट असिस्टेंट और प्रोफेसर के लिए, तीनों के लिए जो है एक ही फॉर्म है। तो यहाँ पे आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये पूरा फॉर्म फिलअप करना है अच्छे से, और आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, और अपना फोटो फिक्स करना है इसमें जो भी स्पेस प्रोवाइडेड किया है, और आपको सेंड कर देना है यूनिवर्सिटी को। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।